जी सॉरी, अरे ऑन कर दे बाबू। क्या क्या ले? जी चाय लेके प्लीज। कर रहा है इतने साल तक आप भाई, आप परेशान लग रहे, कुछ प्रॉब्लम है क्या बताइए। हाँ ये निर्जा के लिए कुछ एक स्टडी टेबल बनाना है, प्लीज मदद करेंगे। हाँ छोटी सी बात है, अभी कर देता हूँ। देखो पप्पा, काकी माँ, काकी माँ, काकी माँ, क्या आपके लिए मैं पेन और पेंसिल लेके आऊँ? पढ़ाई में मदद हो जाएगी ना, आप चाहे तो मैं आपको ट्यूशन भी पढ़ा सकता हूँ, इतना टैलेंटेड हो गया हूँ। बोलता अरे रुको भाई, तुम पढ़ाओगे तो फेल ही हो जाऊंगी। हंसी मजाक हुआ, एक मिनट में बुक लेके आता हूँ। ये भाग के गया, ये लेके आ रहा है। मौसी बोले अरे पप्पा रुको। छीना निर्जा खड़ी हो गई लफ्राइट लुक, बोलती भाई पढ़ाई करने से कुछ होगा नहीं, घर की बोरानी तो बन नहीं पाई, अब तुम वकालत भी करोगी, बहुत हो गया तुम्हारा, निकलो यहाँ से। ये मौसमी जाने लगी, मतलब माँ, मतलब माँ मत बोल मुझे माँ। तो क्या मुझसे कोई गलती हो गई? तब तो आबिर ने वहाँ से श्लोक पढ़ा, विद्या ददाति विनयम, विद्या ददाति सुखम। हो गया, माँ भूल गई आपने क्या सिखाया था, विद्या से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है, तो निर्जा क्या एक नई पहचान नहीं बना सकती? फिर निर्जा ने बोला, मैं आप मरी हुई माँ की कसम भाग कहती हूँ, मैं इस घर का और बाहरी का जितना भी काम है, भगवान ने दो हाथ दिए ना, दोनों काम करने में सक्षम होंगी, ये मेरा आपसे वादा है। देखते जाइए आप मैं क्या करती हूँ। उन्हें दूसरे देख रहे हैं, घुमा दीजिए उसको। ओके okay.